सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन और यू कैन सी दैट जीएस एग्जाम टू। तो स्टूडेंट, ऑलमोस्ट आपका पेपर ऑन द कॉर्नर्स है, बट अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत शिकायतें हैं एक चैप्टर से कि सर बेसिकली हमें ये नहीं पता चलता जब एक सीक्वेंस दिया हुआ है वो क्वेश्चन इस चैप्टर का कैसे है और किस किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। यस, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मतलब मैं बेसिकली इस चैप्टर में आज टॉपिक्स नहीं बताने वाला, आपको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्वेश्चन के थ्रू मैं बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन इस बेसिकली पर्टिकुलर चैप्टर में पूछे जाते हैं। बिकॉज बच्चों को कई बार लगता है कि अगर एक नंबर्स की सीक्वेंस दे दी, कुछ इंटीजर्स दे दिए या कुछ नंबर दे दिए तो वो बेसिकली नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन होगा, बट ये गलत है। तो आज इस चैप्टर को अच्छे समझूंगा मैं, कुछ एग्जांपल्स भी कराऊंगा, तो बहुत शानदार वीडियो रहने वाली है। तो प्लीज़ आपने इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ भूलना नहीं। जैसे पहले की वीडियोज़ आपने अच्छे से देखी हैं, खूब सारा आपने शेयर किया, अब भी शेयर करना है। और आपको मुझे कैसे पता चलता है, मुझे कैसे फीडबैक पता चलता है, आपको एक नंबर बताया मैंने, कौन सा, 9517716। जब आप इस नंबर पर कॉल करते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करते हैं, तब मुझे फीडबैक का पता चलता है। या मैं आपसे बात करता हूँ, जब आप व्हाट्सएप करते हैं कि सर ये डाउट आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तब मुझे पता चलता है कि कैसे काम करना है। समझ आ गई बात, मुझे आपके डाउट से ही मुझे चलता है पता कि क्या करना चाहिए। ये आपके डाउट्स ही हैं। सबसे पहली वीडियो कौन सी ली थी, बच्चे ने कहा सर लास्ट के 15 दिन में क्या पढ़ना चाहिए, मैंने पूरी वीडियो बना दी। फिर मुझे नंबर सिस्टम वाली वीडियो तो मेरे दिमाग में थी कि नंबर सिस्टम के बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा स्टूडेंट्स को कि कैसे उसको सॉल्व करना और क्या करना है। फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का भी था कि हाँ, बट एक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा फिर मैसेज करके सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को बेसिकली टैकल कैसे करना, हैंडल कैसे करना। आज हम इस वीडियो में वही जानेंगे कि जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर उसे कैसे मुझे सॉल्व करना है। क्लियर? तो होपफुली आज का आपको हमारा एजेंडा पता चल गया, आज की हमारी जो छोटी सी ये वार्तालाप है, हमारा जो वीडियो है उसका पता चल गया आपको क्या करना है। बिल्कुल, चलिए। टारगेट यूपीएससी सीसेट 2024, यही तो हमारा टारगेट है, जब भी तो हम फिर आईएएस बनेंगे, और बनो तो भाई मिठाई खिलाने जरूर आना है ना, बताना जरूर। चलिए, सबसे पहले अ परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन विच आ डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सम और ऑल द टाइम। बेसिकली परम्यूटेशन को हम लिखते कैसे हैं, इसको भी डिफाइन भी करेंगे, एन पी आर। बेसिकली क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखा है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखो आपको एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, कम से कम जैसे मैं बात करूँ 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5×20, ठीक है, 5×4 × 3 = 120 हो गया। आपको ऐसे ना 10 फैक्टोरियल तक याद होना चाहिए कितना होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा किस किस को पता है कि 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है। आपको पता होना चाहिए कि 10 फैक्टोरियल कितना होता है, 10 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, आपको एक्चुअली पता होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास अगर आता है 5p4 तो ये कितना आ गया, 5 माइनस यानी 5 फैक्टोरियल 120 आ गया। यही इस तरीके से मुझे इसे सॉल्व कर, बिल्कुल सिंपल कि अरेंजमेंट्स होता है ऑर्डर, बेसिकली डेफिनेट ऑर्डर। क्लियर? चलो, अ कॉम्बिनेशन इज ऑल अबाउट ग्रुपिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अवेलेबल थिंग्स दैट कैन बी कैलकुलेट यूजिंग कॉम्बिनेशंस। इसको बेसिकली हम कैसे यूज करते हैं, एनसीआर होता है सी फॉर कॉम्बिनेशन, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। जैसे यहां भी अगर मुझे 5c4 करना हो तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, 5 × 4 × 4 × 4 × 4 ये कितना है, 5। सिंपल। तो बेसिकली यू मस्ट नो द बेसिक थिंग्स वी हैव टू फॉलो। क्लियर? यहाँ तक होपफुली सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे मैंने वहाँ पे डेफिनेशन में ज़्यादा क्यों नहीं मैंने वहाँ पे डिफाइन किया, बिकॉज एक ही छोटे से एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो क्या, द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, द डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। परम्यूटेशन आर यूज फॉर थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब परम्यूटेशन डिफरेंट, कॉम्बिनेशन
सिमिलर काइंड, सिंपल. परम्यूटेशन इज टू थिंग्स दैट थ्री गिवन ए बी सी. अगर ए बी सी में से मुझे निकालना तो क्या होगा, ए बी बी ए बी सी सी ए सी सी ए, तो ये ऐसा चलेगा. समझ आगे बात. जबकि जब भी तो ये ज्यादा आया था, याद है 5C4 कितना आया था, 5P4 कितना आया था, 120. और ये कितना आ रहा, देखो ए बी बी सी और सी ए सिर्फ 3. समझ आगे बात. तो ये चीजें आपने ऐसे लेके चलनी है, ठीक है. तो होपफुली यहां से आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा. चलो अब मैं टाइप वाइज समझाऊंगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको सॉल्व कैसे करना है. समझ, वहां तक तो बिल्कुल सिंपल है. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैंने बता दिया क्यों परम्यूटेशन ज्यादा कॉम्बिनेशन कमाता है मेरे पास, ठीक है. बट टाइप वन, व्हेन अ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स ऑलवेज अकर टुगेदर. क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इफ 2 पर्टिकुलर पीपल ऑलवेज वॉन्ट टू बी टुगेदर. मतलब देखो ये वही वाला क्वेश्चन है, आपको याद है आप करते हो कि आपको 7 अल्फाबेट्स दिए हैं, वो कह रहा है उसमें से वो उसकी उसमें से वोवल्स बताओ टुगेदर. अभी करवाऊंगा उसको, बस मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन की बात है, वहाँ पे मैं वोवल्स की बात कर देता हूँ स्टूडेंट्स. क्लियर. इन हाउ मेनी वेज कैन 7 पीपल बी सीटेड इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ. अब देखो 7 पीपल है, मैंने बोला ए बी सी डी एफ 7 है. ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी एंड एफ. 7 पर्सन एक साथ हैं. वो कह रहे हैं 2 पर्सन पर्टिकुलर पर्सन ऑलवेज टू बी टुगेदर. मैं कहता हूँ ई और एफ ने हमेशा टुगेदर रहना. तो आपने करना क्या होता है इस केस में, सुनो. टोटल 7 हैं, आपने क्या करना, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे इस वाले बक्से में ए और ई को रख दो. कि ए और ई कहाँ आ सकता है, देखो ए और ई यहाँ भी आ सकता है, वो 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 यहाँ भी आ सकता है, फ्रंट में भी आ सकता है. डिपेंड करता है आप कहाँ प्लेस करना चाहते हो. मैक्सिमम केसेस में इसको सबसे पीछे प्लेस करो, इट्स बेटर, कन्फ्यूजन नहीं होगी. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए. मतलब कहीं पे भी लगा सकता हूँ, 6 फैक्टोरियल वेज में लगा सकता हूँ. बट जब मेरे पास ए एंड ई बचा, क्या इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ 2 फैक्टोरियल में, पहले ए फिर ई फिर ई, पहले ऐसे कर सकता हूँ ना, पहले ए फिर ई फिर ई फिर ई. यस वी कैन डू दैट. तो दिस इज माई राइट आंसर. क्लियर. तो एक टाइप वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह क्वेश्चन आ रहा है और आपने प्रैक्टिस किस तरह क्वेश्चन की करनी है, क्योंकि अननेसेसरी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसको नहीं करना. जो टिपिकल जो अच्छे क्वेश्चन हैं उन्हीं को हम टारगेट करेंगे, तो जल्दी हम वो मुकाम अचीव कर पाएंगे जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ भी आएगा, मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ भी आएगा और मुझे क्वेश्चन भी निकलने स्टार्ट होंगे. नेक्स्ट देखिए टाइप टू. When certain number of things occur together is more than one type. Example है, in how many ways 5 quant books, 4 reasoning books and 6 English books, language books can be arranged so that a books of the same subject are always together. वो कह रहे हैं 5 हमारे पास aptitude की बुक है, मतलब सी सेट का ही बता दिए थे ना सारा भाई, 5 बुक हुए हैं, 4 वो हैं, 6 वो हैं. वो कह रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइप की बुक्स ना, मतलब क्वांट के सारे बुक इकट्ठी रहनी चाहिए, अच्छे रीजनिंग की सारी इकट्ठी और इंग्लिश की सारी इकट्ठी, ठीक है. देखो ये कह रहा है क्वांट 1 क्वांट 2 क्वांट 3 क्वांट 4 क्वांट 5 ये सारे के सारे बुक्स एक साथ रहनी चाहिए. अभी जो पिछला क्वेश्चन किया ना सेम वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट देखना कैसे यहाँ से वहाँ अलग करता हूँ मैं. अच्छा रीजनिंग कितनी है, रीजनिंग 1 रीजनिंग 2 रीजनिंग 3 रीजनिंग 4 ये सारी इकट्ठी रहनी चाहिए, फर्क कुछ नहीं है. अभी देखना जरा, इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 इंग्लिश 4 2 3 4 एंड अब ये होगी 6. अब ये अभी छोड़ दो कितनी बुक्स अंदर है, मेरे पास बेसिकली 3 बॉक्स हैं. ये लगा के चलो मेरे पास 3 एलिमेंट है, पहले एलिमेंट में 5 ऑब्जेक्ट है, दूसरे एलिमेंट में 4 ऑब्जेक्ट और तीसरे एलिमेंट में 6 ऑब्जेक्ट हैं. मेरे पास शुरू में क्या 3 एलिमेंट्स हैं, तो क्या इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ, इनको मैं अलग अलग तरीके से लेके चल सकता हूँ ना. कैसे ले सकता हूँ, 1 2 3 3 फैक्टोरियल ले सकता हूँ, जैसे मैंने परम्यूटेशन में देखा था कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ. अब मुझे एक बात आओ
क्या इसको मैं पांच, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था ना ये वाला ए, क्या इसको भी मैं पांच तरीके से कर सकता हूँ? यस, इसको मैं 5 फैक्टोरियल से कर सकता हूँ, इसको मैं 4 फैक्टोरियल से कर सकता हूँ, इसको मैं 5 फैक्टोरियल, कितनी है मेरे पास, 6 इंग्लिश बुक, सॉरी ये हो गया 6 फैक्टोरियल, दैट इज़ द माई आंसर, दैट इज़ माई आंसर। ये मेरी टाइप 2 है जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेसिकली हम क्लियर करते हैं, क्लियर। सो होपफुली आपको समझ आ रही होगी, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, कोई डाउट है तो 9517716511 स्टूडेंट इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्लियर। सो प्लीज़ 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 जुड़िए, अभी भी टाइम है, अगर सी सैट में कोई दिक्कत लगती है, कोई मेंटरशिप चाहिए, इस नंबर पे कॉल कर लो, फुल गाइड करूँगा आपको, फुली गाइडेंस मिलेगी कि किस तरीके से इतने टाइम में भी हम मैक्सिमम एफर्ट लगा सकते हैं, और वो मेरी GSE प्रिपरेशन को बिना छेड़े, ध्यान रखिए इस बात को। चलिए नेक्स्ट टाइप 3, व्हेन सर्टेन थिंग्स ऑफ वन टाइप डू नॉट अकर टुगेदर, कि भाई एक साथ नहीं होने चाहिए, वो पहले वैसे जो पहले वाला था वो भी यही था, क्या दिया, इन हाउ मेनी वेज 10 एग्जामिनेशन पेपर्स बी अरेंज्ड सो दैट बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम टुगेदर, पहले वाले में टुगेदर थे, इस वाले में नॉट टुगेदर, उसी का सेकंड पार्ट लगा लो। देखो मेरे पास क्या टोटल 10 पेपर्स हैं, मैं कह रहा हूँ ये हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी, ये हो गए 10 पेपर हो गए। मैं कहता हूँ ये बेस्ट है, और ये कौन सा है मेरा दूसरा, क्या यूज किया उन्होंने, वर्स, आई बेस्ट और जे मेरे पास वर्स है, वो कहता है कि मेरे पास ये इकट्ठे ना आए। अब देखो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केसेस कब होंगे, अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ केसेस, सुनो टोटल नंबर ऑफ केसेस मेरे क्या होंगे, जब ये टुगेदर होंगे प्लस जब ये नॉट टुगेदर होंगे, क्लियर है की बात, जब ये टुगेदर होंगे और जब ये नॉट टुगेदर होंगे, तो जब मैं इन सबको अरेंज करने वाला हूं तो डेफिनेटली मैं कितने वेज में कर सकता हूं, 10 फैक्टोरियल वेज में कर सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, होनी मिलती है। अब मुझे वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, वो कह रहा है मुझे टुगेदर, मैं टुगेदर वाला केस ले लूं, मेरे पास क्या आएगा टुगेदर वाला केस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में कैसे बेस्ट प्लस वर्स एक साथ आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुगेदर वाला क्या केस बना मेरा, 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस क्या बचा, नॉट टुगेदर, तो क्या बचा मेरे पास, 10 फैक्टोरियल माइनस ऑफ 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आएगा, यस। तो दोनों केसेस आपको समझा चुका मैं, अब ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज मत छोड़ना, ये सॉल्व कर लेना आंसर, देख लेना कितना है, मेरा काम है यहाँ तक, ये सॉल्व करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है, दैट्स इट, ये होमवर्क दे रहा हूँ, ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, वहीं पर बता दूंगा या नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा भाई क्या आंसर है इसका, समझ आ गई बात, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइप नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद डिजिट्स। अब ये देखो यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को, भाई फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, भाई नंबर की फॉर्मेशन क्या चलनी चाहिए मेरे पास, समझ आ गई बात, भाई नंबर की फॉर्मेशन क्या चलनी चाहिए मेरे पास, मेरे को क्या दिए, इस तरह के क्वेश्चन में देख बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि भैया नंबर दिए हुए हैं, आपको बोल दिया कितने कितने डिजिट के कैसे कैसे नंबर बन सकते हैं, देखो क्या मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद डिजिट्स, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, एग्जांपल हाउ मेनी 3-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 1 2 5 6 8 सो दैट द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, सो दैट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, 3-डिजिट का नंबर बनाना है, अब उसने क्या बोला, डिजिट कैन बी रिपीटेड, इसमें दो केस बनते हैं, एक रिपीट वाला, एक नॉन रिपीट वाला, शायद नॉन रिपीट वाला भी है मेरे पास, नहीं होगा तो मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझा दूंगा। देखो मेरे पास क्या दिया, मेरे पास दिया 1 2 5 6 8, अब मैं अगर ये यूनिट डिजिट आ गया मेरा, ये मेरा 10th डिजिट है और ये मेरा 100th डिजिट है, मेरा यूनिट डिजिट आ गया 10 डिजिट आ गया, मेरा 100 डिजिट आ गया, देखो यूनिट पे आ जाओ,
अगर रिपीटेड हैं तो 1, 2, 5, 6, 8 इन पांचों में से कोई भी नंबर आ सकते हैं। यस इट कैन बी। अच्छा उसके बाद सपोज करो आपने 8 पुट कर दिया तो क्या अभी 8 नहीं आ सकता दोबारा? बिल्कुल आ सकता है। यानी 1, 2, 5, 6, 8 कोई नंबर आ सकता है। यहाँ कौन सा आ सकता है? 1, 2, 5, 6, 8 इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर भी 5 आ सकते हैं, यहाँ पे 5 आ सकते हैं और यहाँ पे भी 5 आ सकते हैं। तो कितना हो गया? 125 इज द राइट आंसर। क्लियर आ गई बात? जब रिपीटेड होंगे डिजिट कैन बी रिपीटेड, इस बात का ध्यान रखो। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में दिया होगा कैन दे रिपीटेड और नॉट, यस दे विल बी रिपीटेड। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ नंबर विद डिजिट्स, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। अब देखिए मैंने बताया था ना, नेक्स्ट हो सकता है। अब मैं आपको 10-20 सेकंड 15 सेकंड दे रहा हूँ, इसका मुझे आंसर बता दो कमेंट सेक्शन में प्लीज, इसका आंसर लिखिएगा ताकि मुझे समझ आ सके कि क्या आपको ये समझ आया। और मैं ये बात बता रहा हूँ, ये वीडियो ना हर उस बच्चे को भेज दो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन रहता है, आज के बाद डर खत्म हो जाएगा। इस एक वीडियो में एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर मैंने इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बता दिए ना, और आज करोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर। बट जब इस वीडियो को आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को और वीडियो को लाइक तो करोगे देखने के बाद, मुझे यकीन है। समझा कि बात? हाउ मेनी डिफरेंट 4-डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस। अब पिछले केस में क्या था, मुझे 3-डिजिट का नंबर बताना था, नंबर कैन बी रिपीटेड। इसमें क्या है, 4-डिजिट का बनाना, 1, 2, 3, 4। इसमें ऑड इवन का केस भी आ सकता है, वो भी बताऊंगा मैं कि नंबर इज ऑड नंबर इज इवन। ठीक है, देखो हाउ मेनी, अब मेरे पास नंबर्स क्या है, 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। ये नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्या आंसर होगा? ट्राई कर सकते हो। देखो एक बात हो, मैं यहाँ पे 1 भी पुट कर सकता हूँ, मैं 2 भी पुट कर सकता हूँ, 4 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, 7 कर सकता हूँ। देखो आप जब भी शुरू करो ना, लेफ्ट से या राइट से कहीं से भी शुरू करो, डजंट मैटर, आंसर चेंज आएगा, सॉरी सेम आएगा। बट जब लेफ्ट से शुरू करोगे तो लेफ्ट में आगे बढ़ते रहना, यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ से शुरू कर देना। लेफ्ट राइट का कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लो, सब कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज देखो, हमेशा इस क्वेश्चन में आपने सपोज करना, सपोज क्या करना, करना ही है, सपोज वर्ड को छोड़ो, हमेशा यही करना आपने। क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7 नंबर्स को मैं किसी भी हिसाब से पुट कर सकता हूँ। मैं 1 पुट कर सकता हूँ, मैं 2 कर सकता हूँ, मैं 4 कर सकता हूँ, मैं 5 कर सकता हूँ, मैं 7 कर सकता हूँ, मैं 8 कर सकता हूँ, मैं 9 कर सकता हूँ, 9 में 7 में से कोई एक नंबर पुट कर सकता हूँ। सपोज करो आपको नंबर कौन सा पसंद है, कोई भी पसंद है, मुझे 5 पसंद है, मैंने भी 5 पुट कर दिया। इसका मतलब जब यहाँ पे नॉन रिपीटेड का केस है, 1, 2, 4, 7, 8 एंड 9, क्या सेकंड केस के लिए, सेकंड पोजीशन के लिए, या आपको 10th नंबर के लिए मेरे पास 6 पोजीशन 6 नंबर्स बचे? यस। सपोज करो फिर आपने एक और पुट कर दिया, फिर आपने पुट कर दिया 8, कितने बचे, या 5 बच के, एक और पुट कर दिया 4 बच के, डेफिनेटली यही तो बात है। तो कितना हो गया, 7, 6, 5, 4, 7 × 6 × 5 × 4, 6 × 5 = 30, 30 × 7 = 28, 28 × 3 कितना हो गया, 60, 24, 840, ये आंसर आ गया इसका। तो रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड का कॉन्सेप्ट है खत्म आज यहाँ पे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मुझे पता है। ठीक है, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट था इवन ऑड वाला। देखो नंबर डिविजिबल बाय अ पर्टिकुलर नंबर और इवन नंबर और ऑड नंबर। ठीक है, आपने इस केस में क्या करना है कि या तो डिवाइड के लिए बोल रहा है, वो एक बात याद रखना, वो कई बार कहता है डिवाइडेड बाय 5, हमेशा याद रखना उस केस में यूनिट डिजिट। जब भी आप ऐसा करोगे ना, जब भी आपसे डिवाइड वाले क्वेश्चंस पूछेगा वो, तो आपने हमेशा यूनिट डिजिट की तरह भागना है। सपोज करो उसने बोल दिया कि डिवाइडेड बाय 6, मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 6, देखो 6 की डिविजिबिलिटी क्या है कि एक नंबर 2 से रिपीट, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। अब नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो नंबर आपका क्या आएगा, यस इवन नंबर आएगा। 3 की डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो ये चीज़ें आपने समझ के चलनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप देखो आपको क्या करें, हाउ मेनी 4-डिजिट इवन नंबर। देखो इवन नंबर 1, 2 नंबर क्या है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया,
आप नहीं आप ऐसा करोगे कि आपने यूनिट डिजिट में 6 लिख दिया, ना ना ना, आप ध्यान से लिखना, इवन नंबर है तो इवन नंबर कौन सा आ गया यहाँ पे, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, मतलब इस पोजीशन के लिए 3 है आपके पास। टोटल 6 में से सिर्फ 3 नंबर्स हो या 3 डिजिट्स हो या 3 आप एलिमेंट्स बोलो, जो आपका दिल करे बोलो, आप यूनिट डिजिट में सिर्फ 3 ही पुट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, उसके बाद बिल्कुल आसान, क्लियर। क्या आएगा उसके बाद, 3 आ गया। अब 6 में से कोई एक तो पुट किया होगा ना आपने, 2, 4, 6 में से कुछ तो पुट किया होगा ना, टोटल 6 थे, 6 में से क्या कितना बचा, 5, फिर यहाँ पुट किया होगा 4, पुट किया होगा 3, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला है, रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड हो तो कर दो, 6, 6, 6, 6 क्या दिक्कत है, समझा कि बात। तो कितना आ गया, 3, 5, 3 × 4 × 5 × 3, 5 × 20, 20 × 9, 180 is the right answer, क्लियर। तो इस तरह क्वेश्चन आप अटकेंगे नहीं पेपर में आपके, अब सब क्वेश्चन होंगे। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ना, नंबर बार बार बता रहा हूँ, 9517771651, आप कॉल कीजिए इस नंबर पे, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी सारी परेशानी हमारी चले। अब वर्ड बिलिंग व्हेन देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब इसमें मंकी वाले में क्या दिक्कत है, वो कह रहे कितने नंबर बन सकते हैं, क्या दिया है, मंकी मंकी दिए, करो ना, कोई नंबर रिपीट हो रहा ना कुछ हो रहा, सिंपल है, 6 हैं, 6 में से यहाँ से 6, 5, 4, 3, 2, 1, या क्या कर सकते हो, 6 × 6, और 0 factorial 1 होता है, याद रखना 0 factorial 1 होता है, आंसर आ गया आपका 6 factorial, आंसर कितना आएगा, 5 factorial कितना था भाई, 5 factorial कितना था, 120 से 6 से गुणा कर दो, 720 विल बी माई राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है मेरे पास, व्हेन फ्यू लेटर वोवल्स कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड लाफ्टर बी अरेंज सो दैट वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। आपको याद अभी क्वेश्चन किया था, अब बेस्ट केस वर्स्ट केस वाला सेम क्वेश्चन है, देखो क्या होगा इसमें, एल ए यू जी एच टी आर, लाफ्टर आ गया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखो ए ई आई ओ यू, ये मेरे पास 5 वॉवल्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर माई 5 वॉवल्स, ठीक है। अच्छा इसमें कौन कौन से वॉवल दिख रहे हैं मुझे, ध्यान से देखो, ए यू ई, यही वॉवल्स हैं, यानी इसको मैं एक डब्बे में रख लेता हूँ उसी की तरह, ए यू ई आ गया, उसके बाद क्या बचा, एल जी एच टी आर, अभी भी चेक कर लो, एल जी एस टी आर में से कोई आपके पास वॉवल्स तो नहीं है, नहीं जी कोई वॉवल्स नहीं। अब ध्यान से देखो ये क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 factorial हो गया, और इसको कितने वीज में कर सकते हैं, याद करो सेम टाइप का क्वेश्चन है सेम, बट यहाँ पे वर्ड बिलिंग के केस में हो रहा है और वहाँ पे नॉर्मल आपका जो केस था वो हो रहा है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस सिर्फ सोच में है कि वर्ड का क्वेश्चन है वो नंबर का क्वेश्चन है, बट दीज आर सेम क्वेश्चन पोजिशन वाइज अगर मैं देखूँ तो, ठीक है। लास्ट है शायद, वेन वोवल्स कॉन्सोनेंट ऑक्यूपाई ऑड इवन पोजिशन, हाँ ये भी आ जाता है कि आपके पास आपको दिया है कि बोल रहा है बेसिक यही टाइप बनती है मेरे पास, इसमें से फिर सब टाइप्स निकलती हैं, जैसे मैंने बताया ना वो डिवाइडेड बाय, उससे नंबर के क्वेश्चन निकलते हैं आपके। लेटर हेक्सागन, हेक्सागन बी अरेंज सो दैट द वोवल्स ऑलवेज इवन प्लेसेस, देखो टोटल 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पोजीशन नंबर 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, 4, 5, 6, 7 यही है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड हेक्सागन बी अरेंज सो दैट द वोवल्स आर ऑलवेज इन इवन प्लेसेस, वोवल्स है वो इवन प्लेसेस में होंगे, वोवल्स क्या हमेशा इवन प्लेसेस पे। अब मेरी बात सुनो, वोवल्स है कौन कौन से, इसमें भी बताया था आपको, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 3 आ गए, और मेरे पास अगर आप ध्यान से देखोगे 1, 2 और 3, 3 ही मेरे पास इवन प्लेसेस है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ए ई
ओ में से कोई एक पुट हो सकता है, रिपीट तो मैं कर ही नहीं सकता इस केस में, ध्यान रखना। नहीं भी दिया तो हम रिपीट नहीं करेंगे इस केस में। कोई एक पुट किया तो कितना बचा, दो। कोई एक पुट किया तो बचा वन, और यहाँ पे क्या बच गया, चार नंबर यहाँ हो सकते हैं, तीन यहाँ हो सकता है, दो हो सकते हैं और एक हो सकता है। तो बेसिकली क्या बना मेरे पास, देखो एक तीन फैक्टोरियल और ये कितना बचा, चार तीन दो एक इंटू ऑफ फोर फैक्टोरियल, तो दैट इज़ माई राइट आंसर, क्लियर। तो ये मेरे पास बहुत आउटस्टैंडिंग सेशन था आज का, ठीक है। अगर ये समझ आया ना तो मेरे हिसाब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको ना आएगा, बल्कि आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, समझ आ गई बात। ना पता चले कुछ फिर मैं बता रहा हूँ आपको, 9517771651। स्टूडेंट्स कॉल कीजिए इस नंबर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि किस तरीके से पढ़ना है, क्लियर। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो, थैंक यू।